आज आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका जिक्र बहुत कम ही जगहों पर मिलता है। ये एक ऐसा टकराव था जो अगर होता तो इसकी गूंज पूरे देश को हिलाकर रख देती। ये टकराव दो विचारधाराओं का टकराव था। बाला साहब ठाकरे और जर्नैल सिंह भिंडरांवाले के बीच का ये टकराव था। पंजाब में भिंडरांवाले ने एक चरमपंथी कट्टरपंथी संत के रूप में पहचान बनाई थी। अपनी विचारधारा की वजह से भिंडरांवाला की चर्चा देश दुनिया के कई हिस्सों में होने लगी। भिंडरांवाले का मानना था कि लक्ष्य को पाने के लिए हिंसा का रास्ता भी गलत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बाला साहेब ठाकरे दुस्साहसी, बेधड़क और ताकतवर नेता, जिनके लिए शिवसैनिक हमेशा खून देने और कहीं भी कभी भी हिंसा करने के लिए तैयार रहते थे और यही शिवसेना के लिए बड़ी ताकत बन गई। लेकिन आखिर इन दो विचारधारा वाले लोगों का टकराव आखिर कब और क्यों हुआ? बात मार्च 1982 की है, जब शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने इंदिरा गांधी का समर्थन करते हुए जर्नैल सिंह भिंडरांवाले को चुनौती दी थी कि इतना दम है तो बम्बई आकर दिखाओ, तब पता लगेगा असली योद्धा कौन, किसमें इतनी हिम्मत की शेर की मांद में आकर उसके दांत गिन सके। कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जर्नैल सिंह भिंडरांवाले ने बाला साहब ठाकरे की चुनौती स्वीकारी भी और बम्बई पहुंच गए। कहा जाता है कि भिंडरांवाले के कारवां में कई ट्रक थे, हर ट्रक पर राइफल के साथ 4-5 युवा सिख थे। ये कारवां 5,000 से अधिक लोगों का था। बम्बई में प्रवेश करते ही गुरुद्वारा सिंह सभा ने उनका स्वागत किया। भिंडरांवाले सीधा दादर स्थित गुरुद्वारा पहुंचे और कहा कि मैं बम्बई आ गया और अब कल बम्बई की सड़कों पर अकेला घूमूंगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि भिंडरांवाला जितने दिन भी बम्बई में रहे, बाला साहब ठाकरे चुपचाप बैठे रहे। वहीं पूरे मामले को लेकर कहा जाता है कि उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने समझदारी दिखाई। अगर दोनों का आमना सामना होता तो हिंसा का तांडव ही देखने को मिलता। हालांकि भले ही कई अपुष्ट माध्यम से मीडिया रिपोर्ट में ऐसी बात कही गई है, लेकिन कई लोग ऐसे किसी भी तरह के टकराव की घटना को गलत और मनगढ़ंत बताते हैं।